हरिओम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं मॉर्निंग में अपने भाई के घर गया, वहाँ मैं इन जनाब से मिला। ये मेरे भाई के बेटे हैं। तो ये जनाब मुझे अपनी फ़ोटो खींचने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। ये अभी सिर्फ 2 साल के हैं और इनका नाम है अक्ष। थोड़ी देर मैं इनके साथ खेलता हूँ और ये मुझसे बोर हो जाते हैं और मुझे टाटा बाय बाय करके अपने घर चले जाते हैं और मैं भी अपने घर वापस आ जाता हूँ। घर वापस आते ही मैं सबसे पहले अपने डंबल चेक करता हूँ जो कि मैंने बनाए थे। तो जो फर्स्ट डंबल है वो बकेट से बहुत आराम से निकल जाता है, पर जो सेकंड डंबल था उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, वो आराम से नहीं निकला, पर थोड़ी देर बाद निकल गया और अब मेरे डंबल रेडी हो गए हैं और कुछ इस तरह दिख रहे हैं। तो इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करके घर वालों के साथ काम करने लग जाता हूँ। तो आप यही सोच रहे होंगे कि मैं आप सबको इन दोनों गाय माता से क्यों मिला रहा हूँ। तो इसका आंसर ये है कि मैं आज इन दोनों माता के लिए घर वालों के साथ मिलकर इनकी विंटर की फीड, और जिसे चोकर भी कहते हैं, उसको रेडी कर रहा हूँ। इसमें हमने थोड़ी बहुत आइटम्स ऐड की हैं। ये सारी आइटम्स हमने इसलिए ऐड की है क्योंकि गाय माता को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और उनका खाना भी टेस्टी हो। जो आइटम्स इसमें मिक्स की है उसके बारे में आपको पापा बताएंगे। इसमें चोकर है, मक्की का आटा है, जौ का आटा है, बरट है और आटे का कट्टा, ये मिक्स किया गया है एक गाय के लिए चारा सर्दी के लिए। ये सारी आइटम्स इसमें मिलाई गई है क्योंकि विंटर है तो हम पहाड़ी लोग पहले से ही अपने घर और अपने गौशाला में खाने का सामान स्टॉक में रखते हैं। जितने भी मेरी तरह पहाड़ी लोग हैं वो ये बात ज़रूर समझते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कहाँ से हो। तो अब हम ये फीड अच्छे से मिक्स करके कट्टे में भर के एक ड्रम में डालते हैं और विंटर के लिए स्टोर करेंगे, जिससे हमें बर्फ़ में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद मैं लंच करके अपने डॉग के साथ खेलने जाता हूँ, जिसका नाम है बुजो। ये जो प्लॉट आप देख रहे हो ये मेरे ताऊ का है, जिनको मैं प्यार से बड़े बाबा भी कहता हूँ। इस जगह पर पहले रॉयल और रेड वैरायटी के एप्पल होते थे, जिन्हें अब काट दिया गया है और अब इस प्लॉट पर न्यू वैरायटी के एप्पल प्लांट करने हैं। ये जो आप देख रहे हो ये गोबर है, इसे इन गड्ढों में डाला जाएगा जिससे पेड़ को न्यूट्रिशन मिलेगा और लैंड की फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये प्लांट जो आप देख रहे हो ये Z1 है, जो एप्पल की ही एक वैरायटी है। तो अब आप ये फिर से सोच रहे होंगे कि मैं इन्हें क्यों दिखा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। बड़े वाली बेला, छोटे वाली पिशी। इन्हें मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आज इनके लिए मम्मा और मैं टॉयलेट बना रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ। ये जो टब आप देख रहे हो ये यूज़लेस है और टूटा हुआ है, तो इसलिए मम्मा इसमें मिट्टी भर रहे हैं और इनके लिए एक टॉयलेट बना रहे हैं। जब ये दोनों छोटी थी तभी से ये मम्मा ने इनको इस टब में टॉयलेट करना सिखाया। अब ये टॉयलेट सिर्फ इसी टब में करती है, तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो इसके बाद हम अपने वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं। आज मेरे और सौरभ का शोल्डर डे है तो हम बारबेल शोल्डर प्रेस पहली एक्सरसाइज लगाते हैं। इसके हम पहले 2 वार्म अप सेट लेते हैं और उसके बाद हम 3 वर्किंग सेट लेते हैं, जिसमें हम वेट को इंक्रीज करते हैं और रेप्स 15, 12 और 10 लगाते हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी लेटरल रेस होती है, जिसे हम साइड रेस भी कहते हैं। इसके भी हम 3 सेट लगाते हैं और रैप 15 रखते हैं। आज के वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज है डंबल फ्रंट रेजेस, तो इसके भी हम 3 सेट लगाते हैं। इसी के साथ आज का हमारा शोल्डर वर्कआउट ख़त्म होता है और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखें। हरिओम।